लेट्स फाइंड आउट कि क्या कॉस्ट है, जो बेसिक पार्ट्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट है क्या। ऑयल फिल्टर ज़्यादातर चेंज होता है और उसकी कॉस्ट है 120 रुपये, 1000 या 10000 किलोमीटर चलते हैं एटलीस्ट। तो ब्रेक शू की कॉस्ट है 390 रुपीज़। जो हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गया हूँ जावा और यजदी के शोरूम, सॉरी नॉट शोरूम बल्कि सीधा सर्विस सेंटर। सो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि यजदी के पार्ट्स, जावा के पार्ट्स बहुत महंगे हैं रॉयल एनफील्ड से। सो आज थोड़ा सा लेट्स फाइंड आउट कि क्या कॉस्ट है, जो बेसिक पार्ट्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट है क्या। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने सारे वो पार्ट्स कवर किए हैं जिनका नॉर्मल वियर एंड टियर होता रहता है। और वीडियो और चैनल का कंटेंट दोनों अगर अच्छा लगता हो, बार बार देखते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई नीड योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट गाइस। जब आप सर्विस कराने जाते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका ऑयल चेंज होता है। सो यजदी में डलता है 10W50 ग्रेड का ऑयल, विच दे यूज इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ मोटुल या फिर कैस्ट्रॉल। इसकी कॉस्ट है 1170 रुपीज़, एज यू कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑयल फिल्टर ज़्यादातर चेंज होता है और उसकी कॉस्ट है 120 रुपये। सो आई डोंट नो, मुझे एक दो कमेंट्स में बोला था किसी ने कि ऑयल फिल्टर ही इनका बहुत महंगा है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो एज यू कैन सी 120 रुपये का ऑयल फिल्टर है सिर्फ। अगर आपके ब्रेक्स ख़राब हो जाते हैं, जो कि 6000 से 8000 या 10000 किलोमीटर चलते हैं एटलीस्ट, तो ब्रेक शू की कॉस्ट है 390 रुपीज़, जो कि आगे और पीछे सेम डलते हैं यजदी में। सो द कॉस्ट एज यू कैन सी इज 390 रुपीज़। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ द एयर फिल्टर एलिमेंट। एयर फिल्टर यूजुअली 6000 से 8000 किलोमीटर आराम से चल जाता है। आप एक सर्विस छोड़ के या दो सर्विस छोड़ के उसको चेंज करा सकते हैं, एक सर्विस में क्लीन और दूसरी में चेंज करा सकते हैं। और इसकी कॉस्ट है 404 रुपीज़। आजकल पोल्यूशन इतना है तो फिल्टर ज़्यादा लास्ट नहीं करता। सो आई सजेस्ट कि 6000-8000 पे आप उसको चेंज ही करा लें। और इन केस वैसे थ्रॉटल केबल असेंबली काफ़ी चलती है, काफ़ी ज़्यादा चलती है, बट इन केस अगर आपको वो भी बदलनी पड़े तो उसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़। सो नेक्स्ट आइटम जो हो सकता है ज़्यादा चेंज हो या फिर 20-25000 तक चल जाए, वो है क्लच केबल असेंबली और उसकी कॉस्ट है 278 रुपीज़। सो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके पार्ट्स जो हैं वो रॉयल एनफील्ड से काफ़ी एक्सपेंसिव हैं एंड पूरे डबल ही हैं, बट आई डाउट दैट। सो अगर आप यजदी ओन करते हैं या जावा ओन करते हैं या यजदी यजदी या जावा लेने की सोच रहे हैं, सो यू कैन सी कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। ऑन एन एवरेज अगर आप एक सर्विस पे ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज कराते हैं तो इसका कॉस्ट लगभग आपको 1300 रुपीज़ आएगा। प्लस अगर छोटी मोटी लेबर या कोई भी छोटा मोटा पार्ट चेंज होता है, जैसे ब्रेक शू चेंज होते हैं, सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ओवरऑल 2000 रुपये में आपका पूरा विद इन 2000 रुपीज़ यू विल बी एबल टू सर्विस योर बाइक, और विच इज़ जस्टिफाइड। 334 cc की बाइक है अगर आप यजदी की बात करें, या जावा भी 300 cc है उसकी बात करें, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 1500-1800 रुपये एक सर्विस पे खर्च रहे हैं, तो इतना तो आई थिंक दैट इज़ जस्टिफाइड। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो कि जो लोग कह रहे थे कि यजदी और जावा के पार्ट्स बड़े महंगे हैं, और सो आई होप आप मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, यू गाइज आर लाइकिंग द कंटेंट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।